मैं इनवाइट करना चाहूंगी गुजरात टीम को, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। रावण सर को राजो प्रगट मेरू समान, रावण सर को राजो प्रगट मेरू समान, आला रे तारा आला जी तारा आला रे तारा हाथ वखाणो के पटी तारा पगड़ा वखाणो, ये गुजरात की 10% टीम है जो यहाँ पर आई है। तो मास्टर्स, गुजरात के लिए एक पत्री सर ने जब ब्लास्ट आए थे तब एक जुम्बेश बताया था कि ये सिर्फ ध्यान का प्रचार करो, बाकी सब छोड़ दो। और ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और प्लीज़ नीचे जो भी गुजराती बैठे हैं ना, जो गुजरात से आए हैं, वो प्लीज़ ऊपर आ जाओ, प्लीज़ जो भी है वो सब आ जाओ। ज़्यादा ही थोड़े हम एंथू होते हैं, तो ध्यान का प्रचार के बारे में क्या कहे, मतलब हर एक बंदा जो पत्री सर से जुड़ा है। पहले हम गुजरात का जो पिरामिड है उसका आर्ट देखेंगे। हम लाखनपुर में, जो सूरत से 30 किलोमीटर दूर गांव में 40x40 का पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं, जो ट्रस्ट का नाम है गोकुल पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, जो नवंबर तक उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। और वहां हम गार्डन भी डेवलप किया हुआ है, साथ में हम आगे 200 से 250 लोग का रहने का और बच्चों के लिए खेलने का जो प्लेग्राउंड वो भी कर रहे हैं। 25 से 30 मास्टर हर रविवार को आते हैं और अभी भी वहाँ मेडिटेशन का प्रोग्राम चलता है। और जब इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद का जो हमारा प्लान है कि सुबह से शाम तक वो पिरामिड पब्लिक सबके लिए खुला रहेगा, पूर्णिमा का ध्यान करने के लिए ओवरनाइट भी खुला रहेगा। वैसे हम अकेले घर में ध्यान करते हैं, उससे जो पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा हमको एनर्जी का एहसास होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पिरामिड में आके मेडिटेशन करें और उसकी एनर्जी को, एहसास को अपने साथ ले जाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को फास्ट आगे बढ़ाएं। ये पिरामिड में 250 लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं और पिरामिड के अंदर किंग चैम्बर भी बना हुआ है, तो वो किंग चैम्बर का एनर्जी का एक अलग लेवल का एहसास रहता है, उसका भी हम फायदा ले सकते हैं। दूसरा कि हम वहाँ लाइब्रेरी का भी निर्माण कर रहे हैं, तो आप वहाँ आके लाइब्रेरी में स्वाध्याय का भी आनंद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उस पिरामिड का फायदा उठाए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए। थैंक यू। ऐसे ही अन्य ध्यान केंद्रों की जानकारी के लिए कृपया पीएमसी ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद सभी का। अभी हम देखेंगे गुजरात में कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, सब लोग एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं, तो देखते हैं उसके बारे में स्क्रीन पर। गुजरात जो एक स्टेट है इस भारत का, और यहाँ पे हर एक मास्टर बाहर निकलकर इसका ध्यान का प्रचार करने लगा है, तो ये विश्व में पीएमसी हिंदी जैसे सब जगह आ चुका है, वैसे ही पीएमसी हिंदी
भारत भर में भी आ चुका है। नेक्स्ट, हाँ, भारत भर में पीएमसी हिंदी सब जगह आ चुका है, सब लोग ध्यानी बनते जा रहे हैं। उसी में से एक है हमारा गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, वहां पे भी उस मातृभाषा में, गुजराती भाषा में भी हम सब लोग मिलकर, एक साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं। नेक्स्ट, ध्यान प्रचार गुजरात में पत्री जी ने जो संकल्प लिया है उस हिसाब से सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो पहले हम देखते हैं ध्यान प्रचार विलेजेस में, छोटे गांवों में कैसे हो रहा है, किस जगह हो रहा है। नेक्स्ट, स्कूल्स में आहवा डांग जो एक बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी स्कूल्स में जाके हमारे मास्टर्स ध्यान सिखा रहे हैं। वैसे ही भानवड़ जो एक छोटा सा गांव है, और अमलसाड़, यहाँ पर भी मास्टर्स जाके छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स के सिखा रहे हैं ध्यान स्वाध्याय। सज्जन सांगत्य होता है, सब लोग बहुत ही अद्भुत उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है वुमन एम्पावरमेंट जो भानवड़ में किया जा रहा है, बहुत सारी लगभग 200 से 250 लेडीज एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं हमारी बीनी बेन रवालिया। नमस्कार एंड आत्मवंदन सभी को, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन। मैं मास्टर कृष्णा की कर्मभूमि देवभूमि द्वारका के एक छोटे से गांव भानवड़ से हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ औरतों को घर के चूल्हे चौके और घर के काम से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। वहाँ पर आज पूरा गांव ध्यान की राह पर चल पड़ा है। गांव की हर एक औरत घर से बाहर निकल के ध्यान कर रही है, सीख रही है और सिखा रही है। मास्टर पितामह का एक ड्रीम था कि हर छोटे से छोटे गांव के कोने कोने तक ये हमारा जो ध्यान है वो पहुँचना चाहिए। फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है जब छोटे छोटे गांवों से लोग ध्यान की ओर चल पड़े हैं, ध्यान से जुड़ रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। तो हमारे गांव में, मेरे गांव से मेरे और भी कई फ्रेंड्स हैं जो यहां पर आए हैं और हर जगह पे जा जाके ध्यान सिखा रहे हैं। उसमें से है विमला मैम जो एक योगा टीचर है और अपने योगा क्लास में सभी लोगों को इकट्ठा करके ध्यान के बारे में सिखा रही है। और भी है कई मास्टर, भावना दत्तानी मैम जो कि अपने घर पे एक छोटा सा सेंटर बनाए हैं और हर दिन ये सेंटर खुला रहता है और लोगों को ध्यान सिखा रही है और स्कूल में जा जा के बच्चों को भी ध्यान सिखा रही है। और हमारी अल्पा पंड्या मैम जो उनके घर पे डेली शाम को ग्रुप मेडिटेशन होता है, फ्रेंड्स 6 से 7 बजे शाम को हर दिन मेडिटेशन होता है। और हमारे गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है जहां पे हम लोग डेली रात को 9 से 10 बजे तक रात को ध्यान करते हैं और पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष ध्यान होता है। तो ये सब मुमकिन हुआ है। हमारे यहां जो सीनियर मास्टर्स आते हैं, वसंता शास्त्री मैम, आलेख्या मैम, आशा नाकरानी मैम, भाविना मैम और कई भी मास्टर्स यहाँ आके हमें प्रोत्साहित करते हैं और नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो इन सभी मास्टर और पितामह का दिल से अनंत कोटि धन्यवाद। तालियां फ्रेंड्स पितामह के लिए, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये ऐसा गांव है जिसमें सिर्फ 400 घर है, उसमें से 300 से ज़्यादा लेडीज ध्यान करती है और मिलकर के ध्यान करती है। धन्यवाद बिनी बेन। अभी देखते हैं गुजरात में सिटीज में कैसे काम चल रहा है। प्लीज पीपीटी। हाँ जी, सिटीज़ में अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्कूल्स में, अलग अलग जगह के स्कूल्स में ये ध्यान प्रचार हो रहा है। जैसे नवसारी की स्कूल्स है, वहाँ पे पूरी एक टीम जाती है, सब लोग मिलकर सब जगह ध्यान सिखा रहे हैं। दाहोद एक बहुत ही छोटी जगह, लेकिन वहाँ पे भी एक मास्टर है शकीला जी करके, वो ध्यान वहाँ पे सिखा रही है। जामनगर में डॉक्टर कपिला वो ध्यान सिखा रहे हैं, उनकी टीम वहाँ पे करवा रही है। आगे दूसरा है कॉलेजेस।
कॉलेज में नवसारी में होम्योपैथिक कॉलेज के हर एक ईयर के स्टूडेंट्स को ध्यान सिखाया गया है। नेक्स्ट, जनरल पब्लिक के लिए वलसाड में, आनंद में, नवसारी, वडोदरा, सभी जगह ध्यान करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, राजकोट, नवसारी में सीनियर सिटीजन क्लब, उन लोगों के लिए भी अलग से ध्यान करवाया गया है। अहमदाबाद में भी काफ़ी सारा ये ध्यान प्रचार किया जा रहा है। नेक्स्ट, कम्युनिटी लेवल पे जैसे जैन समाज सूरत, जैन समाज अहमदाबाद, आरएसएस के लेडीज ब्रांच में नवसारी में करवाया गया, वैसे ही लज्जा ग्रुप और नवसारी मैनेजमेंट एसोसिएशन से जॉइंट में एक उनका सेशन था, वहाँ पे भी करवाया गया है। नेक्स्ट, वुमन एम्पावरमेंट में अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, आनंद। नेक्स्ट, राजकोट, नवसारी, अहमदाबाद, जामनगर, सभी जगह सिर्फ लेडीज को जमा करके वहाँ पे ध्यान करवाया गया है। सूरत में हॉस्पिटल में पिरामिड्स का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे जो पेशेंट गॉड्स आते हैं उन सभी को वहाँ पे दवा की तरह ध्यान सिखाया जा रहा है। सब जेल नवसारी में लगभग 40 दिन का वर्कशॉप करवाया गया था वहाँ के कैदियों के लिए, और वहाँ के कैदियों को में भी काफ़ी सारे चेंजेस दिखे देखे गए हैं। नेक्स्ट, पिरामिड का उपयोग अलग अलग प्रकार से हम करवा रहे हैं, जैसे किसी घर के ऊपर या ऑफिस में के कैबिन में पानी पर, हर एक अलग अलग जगह से हम उनको दिखा रहे हैं कैसे पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी हमारे गुजरात के सूरत में जहाँ पर ध्यान शुरू हुआ था, मोस्ट सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर नरसैया। यस सर, हेलो, सबसे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार, और PSSM की ट्रस्टी बालकृष्ण सर जी और PMC हिंदी ऑल ट्रस्टीज को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। ये ध्यान कुंभ में आया हुआ ऑल मास्टरों को मेरा सादर नमस्कार। मैं गई 15 साल पहले इस सोसाइटी में किशोर के माध्यम से आया हूँ, जब से शुरू कर दिया तब से मैं ध्यान करते करते और पिरामिड की ऊर्जा मालूम पड़ गया। मैं शुरू करने के बाद 3 महीने के बाद मैं बेंगलुरु गया हूँ, ये पिरामिड की ऊर्जा मेरा अंदाज किया हूँ, इसके लिए मैंने पिरामिड बनाया मेरा घर के ऊपर, 21x21 पिरामिड और 33x60 आल बना के बहुत क्लासेस करवाया। तो फिर जब से मैं प्रचार ऐसा ही शुरू हुआ, मेरा स्टार्ट करने से पहले सेंटर खोल के ही मैं शुरू किया हूँ। अभी तक वो पौर्णमी ध्यान, संडे ध्यान, हर तरीका ध्यान होते रहता है। फिर पत्री जी का भी 20 प्रोग्राम से ज़्यादा पब्लिक प्रोग्राम्स बनाया मैंने सूरत में, और मास्टर्स को लेके अहमदाबाद में भी मैंने 2012-13-14 ऐसा 3-4 प्रोग्राम करवाया, 60-70-80 आदमी को ले जाके पब्लिक को पॉम्पलेट बांट के, और इधर सफाले में भी ऐसा लोगों को ले जाके 3 दिन की वर्कशॉप भी करवाया था, और ये राघव राव सर और राजलक्ष्मी मैडम से, मतलब प्रयास है मेरा, ये सोसाइटी का नियम 18 आधार सूत्र की मैं फॉलो करता हूँ, और ज़्यादा पिरामिड बारे में बताता हूँ, अभी भी वही प्रयास है मेरा। आप लोगों को सबको मालूम है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी मास्टर्स इसमें ज्वाइन हुआ सब दूसरे को बताते रहते हैं, इसीलिए तो इतना पब्लिक जुड़ा हुआ है अपना PSSM में, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। यस, अभी अहमदाबाद से हम सभी जानते हैं डॉक्टर धीरेन सर, इनको मैंने हिंदी में इसलिए बोला क्योंकि वो हिंदी, उनको गुजराती नहीं आती है फिर भी वो गुजरात में ध्यान प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं भी हिंदी में बोली। हम सभी को साथ में लेकर चलना है। यस,
ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। मैं आपको बताऊं, मेरा परिचय पत्री जी सर के साथ में तो 2015 में हुआ, और सूरत में ही मेरा नरसैया सर के पास में मुलाकात पत्री जी सर से पहली बार हुआ, और वहाँ उन्होंने हमें कार्यरत किया ताकि हम ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत को लेकर के आगे गुजरात में सब जगह पे पहुँचा सकें। बहुत सारे मास्टर्स बहुत सारा बीजारोपण ऑलरेडी गुजरात में कर चुके थे, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो लगातार इस मुहिम को आगे लेके जा सके। हमने सतत प्रयास किया, अस्पतालों में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के, स्कूलों में जाकर के और मंदिरों में जाकर के सब जगह पे ध्यान प्रचार करना शुरू किया। इसी में हमारे साथ में पत्री जी सर के कार्यक्रम हर 3-3 महीने पे गुजरात में संचालित होने लगे, और कब ध्यान गुजरात की एक लहर सब जगह पे फैल गई। और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, मैंने आपको बताया, अब गुजरात की कोई सीमा नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पीएमसी गुजरात देखा है? पीएमसी गुजरात, आज हम सभी सीमाओं के पार पीएमसी गुजरात के माध्यम से जो हमने 2020 में शुरू किया, 35 लाख से ज़्यादा लोग आज उसमें ध्यान सीखे हैं। वी आर वेरी ग्लैड दैट दिस मूवमेंट हैज़ टेकन अ बिग शेप, और इसमें मैं चाहूँगा आप सभी लोगों को बधाई देना। एक बार अपने लिए, आपके प्यार के लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर बजा दें। और साथ ही साथ में आज हम लोगों का पूरा दृढ़ निश्चय है, 100 से ज़्यादा हमारे मेडिटेशन के सेंटर्स आज गुजरात में कार्यरत हैं, और अहमदाबाद में लगातार फुल मून और अमावस्या पे हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं। आप ज़रूर अगर गुजरात में हैं तो हमारे साथ में जुड़ें, और अगर आप गुजरात में नहीं हैं तो भी ये नाम आपको याद रखना है आपके एक मित्र का, डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, मेरा नाम मेरी पहचान पीएमसी गुजरात, और ये सब पत्री जी सर ने हमें दिया है। एक बार ज़ोरदार तालियां पीएमसी पत्री जी सर के लिए। आप सभी लोग जो चाहते हैं अपनी तरफ से सेवा देना, आप चाहे गुजरात में हो या गुजरात के बाहर, आप अगर चाहते हैं स्वस्थ जगत के निर्माण में अपनी सहायता देना, अगर आपको कहीं कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अपने अंदर कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो ये दोस्त आपके साथ में हैं। आप मेरा नंबर अपने पास में ज़रूर सेव कर लें अपनी सेवाओं के लिए, और कहीं पे भी मेरी ज़रूरत लगती है तो मुझे ज़रूर ऑफलाइन ऑनलाइन काम के लिए, आप लोगों की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप पे मेरे साथ में कनेक्ट करें। मेरा नंबर नोट कर लें, 9049693811। नंबर मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 9049693811। व्हाट्सएप पे खाली हाय, HI लिख के भेज दीजिए। आई विल सेव योर नंबर एंड आई विल बी विद यू। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। यस मास्टर्स, अभी जो पिरामिड हमने जिसका एड देखा, जो पीएमसी हिंदी की टीम ने आकर ब्यूटीफुली रिकॉर्ड किया था, तो उस पिरामिड के बारे में जतिन भाई सिर्फ एक मिनट लेंगे। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। मैं 3 साल पहले जुड़ा हूं और पत्री जी से मेरा एक ही बार मुलाकात हुआ है 5 मिनट का, और पीएसएसएम में जुड़ने के बाद मुझे ये ध्यान और पिरामिड शाकाहार की प्रेरणा मिली, तो मैंने जो फायदे पाए हैं वो सबके पास जाए, इसीलिए हम सब गुजरात की टीम ने मिलके पिरामिड का निर्माण किया है, गोकुल पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। तो मैं आज ताली होनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी पिरामिड मास्टर्स को इनवाइट करता हूं, 8 दिसंबर को सब लोग आइए, गुजरात में आइए, सूरत में आइए, और हम सब साथ मिलके पिरामिड सेंटर का ओपनिंग करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजा करेंगे और खूब सारा मेडिटेशन करेंगे। तो सबको मेरा दिल से नमन और आमंत्रण है कि आप आइए और हम
ये यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत जल्द हमारा एक मेगा पिरामिड अहमदाबाद में आने की तैयारी में, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि अगर आप उसमें जुड़ सकें। मेगा पिरामिड इन अहमदाबाद इज कमिंग अप, वी आर लुकिंग फॉर अ लोकेशन। आप लोगों का सहायता उसमें चाहिए है। अगर आपके पास में कोई जगह हो जो बहुत बड़ी हो या आप उसमें कोई उपलब्धि बना सकें तो आज आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत जल्द हम लोग इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक प्लीज। मैं इनवाइट करना चाहूंगी सम्मान करने के लिए जीके सर को, अनिल सर को, महेश सर को, बालकृष्ण सर को प्लीज। आत्मवंदन फ्रेंड्स, पीएमसी गुजराती की शुरुआत के बारे में थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, 3 साल पहले जब ऋषिकेश में मैं आई थी तब पीएमसी गुजराती की टीम सिर्फ 10 लोगों की थी और उस सोच के साथ आई थी कि इस पीएमसी गुजराती को मैं कैसे बड़ा करूं। पीएमसी गुजरात तो था ही, डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन और पूजा सरीन ने हमें मोटिवेशन दिया कि आप गुजराती लैंग्वेज में चालू करिए क्योंकि हर जगह जहाँ गुजरात है, जहाँ गुजराती है वहाँ तक पहुँचना है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे वो सोच लेके मैं आई और मैं आलेख्या से पहली बार मिली और मैंने आलेख्या को पूछा कि मैं पीएमसी गुजराती को किस तरह से बड़ा करूं। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और तभी रामराजू सर ने मुझे बताया कि हम JTTP गुजराती में लेके आ रहे हैं और वो न्यूज़ सुन के मैं इतनी खुश हो गई। और आज ये आप टीम देख रहे हैं सर, वो सभी JTTP की वजह से यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज इन्हें देख के वो 10 की टीम आज इतनी बड़ी टीम होगी कि आज ये टीम सिर्फ 10% है फ्रेंड्स। सो अगर आप सोच सकते हैं कि कुछ हो सकता है तो फोटो सच में हो सकता है। फोटो प्लीज, फोटो। सो आई एम थैंकफुल टू पीएमसी हिंदी, थैंक यू टू पत्री सर, थैंक यू आलेख्या, थैंक यू रामराजू सर, नीचे बैठ जाए प्लीज, पीएमसी गुजराती टीम फॉर दिस लवली सपोर्ट। हमारे टीम की एक यूनिक बात ये है कि यहाँ पे मैं कोई नहीं बोलता, हम सब हम बोलते हैं। वी आर ऑल वी, देयर इज नो आई। फ्रेंड्स, आज के बाद डेफिनेटली हम वापस मिलेंगे गुजरात में। आप आइए पिरामिड के इनॉग्रेशन के लिए, इट इज 8th of December जब हम सभी को वापस मिलना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरी बात ध्यान से सुनिए, गुजरात आने वाले दिनों में PSSM का कैपिटल बनने वाला है सूरत खास तौर पे। तालियां जोरदार आप सबके लिए। सबको मालूम होना चाहिए ये जो 1 दिसंबर का आपको पिरामिड के 8 दिसंबर का पिरामिड ओपनिंग का जो आपको निमंत्रण है, ये हमारा जतिन भाई पटेल की जमीन उन्होंने खरीदी और पूरा पिरामिड अपने खुद के पैसे से खड़ा किया है। किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन 1 रुपए का भी लिया नहीं है और बगल के अभी 2.25 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी है। वहाँ पर आप लोगों के रहने की और खेलने कूदने की पूरी व्यवस्था जतिन भाई की तरफ से हो रही है। इतना महान कार्य बिना किसी के कंट्रीब्यूशन के खुद के दम पर खड़ा करना एक बहुत महान विशेष उपलब्धि है। जतिन भाई का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो पीएमसी पीएसएसएम जितने भी पीएमसी की तरफ से कम है। जतिन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। नमस्कार सभी को। पीएमसी गुजरात हमेशा घर घर में छा रहा है और आप सभी को
पीएमसी गुजरात। थैंक यू सो मच गुजरात, थैंक यू सो मच गुजरात। जय जय गरवी गुजरात। गुजरात 8 तारीखे मळीशु गुजरात मा। जय जय गरवी गुजरात।